हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हाल ही में जो 2023 के देखेंगे तो बहुत सारे जो चीफ जस्टिस हैं, जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश जो स्टेट में चेंज हुए हैं, जो कि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने वाले कम जो चीफ जस्टिस यहाँ पर चेंजेस हुए हैं, हर स्टेट में चेंज हुए हैं बहुत सारे। तो उसको हम आज कवर करेंगे, कौन सी स्टेट में जो नए चीफ जस्टिस, जो नए मुख्य न्यायाधीश उनको बनाया गया है, हम उनको यहाँ पे कवर करेंगे। वन लाइनर में इसको फॉर्मेट में तैयार किया गया है, जितने भी जो कंटेंट है, और इसको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। इसको जाके बढ़िया रिवाइज कीजिएगा, एक बार रिवाइज कीजिए तभी आपको याद रहेगा, और एक से दो बार जिसे PDF बार देख लेंगे, इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा 1.5 में स्पीड के साथ, तो उसको बढ़िया रिवाइज करेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पर समझ आ जाएगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। तो पहला देखते हैं हम इलाहाबाद। इलाहाबाद में हाल ही में जो यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, जो मुख्य न्यायाधीश हैं, यहाँ पे चेंज किया गया है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जो नए चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, आपका प्रीतिंकर, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रीतिंकर दिवाकर। तो इलाहाबाद के जो उच्च न्यायालय है, यहाँ के जो नए चीफ जस्टिस मार्च में चेंज किया गया था, और यहाँ के जो प्रीतिंकर जो दिवाकर, यहाँ के जो नए चीफ जस्टिस है, यहाँ के नए, तो इलाहाबाद के जो नए चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर जी हैं, बढ़िया सुनिएगा, वन लाइनर है। तो प्रीतिंकर जो दिवाकर है, दिवाकर जी को यहाँ के इलाहाबाद के यहाँ के नए चीफ जस्टिस बनाया गया है। और जो न्यायाधीश होते हैं, यहाँ पे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कई बार एग्जाम में देखे होंगे जो स्टेट में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, किनके इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो हमारे भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं वर्तमान में अभी, तो इनके द्वारा स्टेट में इनकी नियुक्ति की जाती है। तो इसको याद रखिएगा। तो इलाहाबाद के प्रीतिंकर दिवाकर जी यहाँ के नए मुख्य न्यायाधीश हैं, तो इसको याद रखिए। वहीं देखो मैं आते हैं आंध्र प्रदेश यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश को किसको बनाया गया, तो धीरज सिंह जो ठाकुर है, इनको यहाँ के नए चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है। आंध्र प्रदेश को वाइजक के नाम से इसको जाना जाता है। और यहाँ के जो नए जो कैपिटल है, इसको चेंज किया गया था, यहाँ का जो कैपिटल है इसको अब विशाखापट्टनम चेंज कर दिया गया, तो इसको याद रखिए। यहाँ के राज्यपाल भी चेंज किया गया है, इसको याद रखिए। तो धीरज सिंह जो ठाकुर है, आंध्र प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और वहीं देखेंगे तो बॉम्बे जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, देवेंद्र कुमार उपाध्याय हैं, इनको हाल ही में जो बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है, इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं हमें कोलकाता जो उच्च न्यायालय है, यहाँ का जो मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है, तो टी एस हिमगर्ग जी हैं, इनको कलकत्ता उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस इनको बनाया गया, मुख्य न्यायाधीश इनको बनाया गया है। और कई चीफ जस्टिस अभी कार्यवाहक के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, और यहाँ के जो उच्च न्यायालय के जो रमेश सिन्हा, यहाँ के नए जो है यहाँ के चीफ जस्टिस है, इसके पहले कार्यवाहक के रूप में काम कर रहे थे, इससे पहले आपके इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद से आपके छत्तीसगढ़ में इनको नियुक्ति की गई है राष्ट्रपति के द्वारा, इसको याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के रमेश सिन्हा भी नए वर्तमान में चीफ जस्टिस है, इसको याद रखिएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे गुवाहाटी उच्च न्यायालय के संदीप मेहता चीफ जस्टिस, अभी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अभी संदीप मेहता जी हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा एक बार। इसके बाद देखते हैं गुजरात उच्च न्यायालय के अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो सुनीता अग्रवाल हैं वर्तमान अभी गुजरात उच्च न्यायालय के नए अभी चीफ जस्टिस। जितने भी बता रहा हूँ सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न पे है, सभी यहाँ पे नए नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया गया है,
तो गुजरात उच्च न्यायालय के सुनीता अग्रवाल अभी वर्तमान में चीफ जस्टिस है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के जो उच्च न्यायालय के अभी नए चीफ जस्टिस कौन है, तो न्यायमूर्ति एम एस रामचंद्र राव वर्तमान में भी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस है। और ये आपके जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो कौन से क्रम के 28वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, इनको याद रखिएगा। तो नाम को तो याद रख रहे हैं, एम एस रामचंद्र राव कहाँ के चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल प्रदेश के, उनको बनाया गया है 28वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ का जो हाई कोर्ट के लिए किसको नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति पंकज मिथल इनको हाल में जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो उच्च न्यायालय है यहाँ के चीफ जस्टिस इनको बनाया गया है। तो ये आप केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होगा। इसके बाद देखते हैं झारखंड उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस कौन है, झारखंड के अभी वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय कुमार जो मिश्रा हैं इनको हाल ही में यहाँ के लिए यहाँ पे नियुक्त किया झारखंड के लिए। तो नाम को याद रखना है, संजय कुमार मिश्र जी इनको झारखंड के लिए इनको नियुक्त किया गया चीफ जस्टिस। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे केरल उच्च न्यायालय के जब ये चीफ जस्टिस किसको बनाया गया है, तो केरल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस एंटनी डोमिनिक, याद रखिएगा एंटनी डोमिनिक को अभी केरल उच्च न्यायालय के नए चीफ जस्टिस इनको एंटनी डोमिनिक को बनाया गया है। तो इसका एंटनी डोमिनिक नाम को याद रखिएगा, रिवाइज कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं मद्रास उच्च न्यायालय के जो अभी चीफ जस्टिस वर्तमान में किसको नियुक्त किया गया है, तो संजय विजय कुमार जो गंगापुर वाला है, नाम थोड़ा बड़ा है तो इसको याद रखिएगा, संजय विजय कुमार गंगापुर वाला अभी मद्रास उच्च न्यायालय का अभी वर्तमान में आपका चीफ जस्टिस है, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं मणिपुर उच्च न्यायालय, मणिपुर तो वर्तमान में मणिपुर जो उच्च न्यायालय है वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है, तो न्यायमूर्ति मुरलीधरन है अभी वर्तमान में मणिपुर उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस है। और इस उच्च न्यायालय के जो मणिपुर जो उच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में कार्यवाहक हैं, अभी कार्यवाहक के रूप में भी काम कर रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य कर रहे हैं, अभी कार्यवाहक है। तो इसको याद रख बताया था मैंने, कई जो उच्च न्यायालय अभी कार्यवाहक रूप में अभी कार्य कर रहे हैं, तो इनके भी अभी चेंज किया जा सकता है, जैसे अपडेट आता है मैं आपको दे दूंगा। तभी वर्तमान में कार्यवाहक के रूप में मुरलीधरन जी कार्यवाहक के रूप में। ओडिशा उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस कौन है, तो न्यायमूर्ति सुभाषिस तालपत्रा जी, ओडिशा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अभी कौन है, न्यायमूर्ति सुभाषिस तालपत्र जी वर्तमान में भी ओडिशा के उच्च न्यायालय का भी वर्तमान में चीफ जस्टिस है। पटना के देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस के विनोद चंद्रन जी वर्तमान अभी पटना उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस है, इसको याद रखिए। इसके बाद देखते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट के वर्तमान में भी चीफ जस्टिस कौन है, तो जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह, राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस अभी जस्टिस जो है आपका अगस्टिन जॉर्ज जो मसीह वर्तमान में भी राजस्थान उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं। इसके बाद देखते हैं त्रिपुरा उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस कौन है, तो अकील अब्दुल हामिद जो कुरैशी वर्तमान में अभी त्रिपुरा उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस है, इसको याद रखिएगा, राजस्थान के या आपके त्रिपुरा के हैं। इसके बाद देखते हैं एक और बच गया, तेलंगाना उच्च न्यायालय का भी चीफ जस्टिस कौन है, तो एम एस रामचंद्र जो राव हैं वर्तमान में तेलंगाना उच्च न्यायालय के अभी चीफ जस्टिस के रूप में पदस्थ हैं, इसको याद रखिएगा। तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो चीफ जस्टिस एम एस
एमएस रामचंद्र राव अभी वर्तमान में तेलंगाना के अभी चीफ जस्टिस हैं। तो ये थे जो नए जो चीफ जस्टिस जो स्टेट में अभी नियुक्त किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है डेफिनेटली। तो ये थे जो चीफ जस्टिस, इसको बढ़िया रिवाइज कीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, जो नए चेंजेस हुए इसको रिवाइज बढ़िया कीजिए। PDF मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम से जुड़ के बढ़िया इसको देखिएगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह नोटिफिकेशन मैं लेके आऊँगा आपके लिए। मिलते हैं इसी तरह के नए सेशन में, थैंक यू।